तो 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो गई, और प्लेटो की मृत्यु के बाद अरिस्टोटल का, अरस्तु का एथेंस में मन नहीं लगा, क्योंकि उधर अकादमी के निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों में एक विरोधाभास भी था, और शायद इस कारण से प्लेटो अरिस्टोटल को बहुत अधिक पसंद नहीं करते थे, कहीं न कहीं अरस्तु के विचारों से प्लेटो नाखुश भी रहते थे। तो बहरहाल अध्यक्ष के रूप में या अकादमी के निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त नहीं किया गया। इधर बीच 346 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के किंग फिलिप का निमंत्रण मिला उनके युवा पुत्र सिकंदर की शिक्षा देने के लिए। तो अरस्तु मैसिडोनिया पहुँचे, और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक अजीब सादृश्य अपनी आंखों के सामने राजा फिलिप के दरबार में देखा। राजा फिलिप के दरबार में जुपिटर की मूर्ति लगी हुई थी। अभी जुपिटर वहाँ का देवता था। एक तरफ राजा फिलिप खड़े थे जुपिटर की मूर्ति के एक साइड में, दूसरी तरफ उनका 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर खड़ा था। राजा फिलिप ने अपनी तलवार निकाली और कहा जुपिटर से कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पूरी दुनिया पर फतह कर सकूं, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकूं, संपूर्ण दुनिया में मैसिडोनिया का झंडा लहरा सकूं। यह सुनकर के सिकंदर की आंखों से आंसू आ गए, सिकंदर रोने लगा। तो राजा फिलिप ने सिकंदर से ये कहा कि तुमको अपने बाप पर, अपने पिता पर विश्वास नहीं है? अरे मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं देवताओं का पुत्र हूँ, और मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, और मेरे में ताकत है कि मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। सिकंदर ने कहा कि नहीं पिताजी, बात ये नहीं है, मैं इसलिए नहीं दुखी हुआ, मैं तो इसलिए दुखी हुआ कि सारी दुनिया पर आप ही विजय प्राप्त कर लेंगे, संपूर्ण दुनिया को अगर आप ही जीत लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे लिए क्या काम रह जाएगा, मेरे लिए तो कोई काम ही शेष नहीं बचेगा। तो फिलिप ने कहा कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी काम मैं छोड़ता हूँ, ऐसा करता हूँ कि मेरे घोड़े पश्चिम की तरफ जाएंगे, और यहाँ से मैसिडोनिया से पश्चिम की तरफ की जो दुनिया है उस पर मैं फतह करूंगा, उस पर मैं विजय प्राप्त करूंगा, और पूरब का जो इलाका है वो तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। पूरब का इलाका यानी फारस का इलाका, इंडिया, भारत, मिस्र इत्यादि, ये जो साम्राज्य हैं, ये जो देश हैं, ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूँ, ईस्ट की तरफ तुम्हारा राज चलेगा और तुम ईस्ट की तरफ विजय प्राप्त करना, इधर को मैं संभाल लेता हूँ, तो तुम्हारे लिए मैं काम छोड़ देता हूँ। अब अरस्तु को ये अजीब सी बात लगी, क्योंकि अरस्तु तो वहाँ सिकंदर को दर्शन और तर्क शास्त्र और गणित और साहित्य की शिक्षा देने गए थे, लेकिन वहां तो माहौल ही कुछ और था। बहरहाल अरस्तु वहां रुके मैसिडोनिया में, और सिकंदर को उन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया, और लगभग 3 वर्षों तक सिकंदर को शिक्षित करते रहे, दर्शन की शिक्षा देते रहे, तर्कशास्त्र की शिक्षा देते रहे, गणित की शिक्षा देते रहे, और साहित्य की शिक्षा देते रहे। लेकिन सिकंदर की रुचि तो इन विषयों में थी नहीं, सिकंदर तो एक्चुअली एक योद्धा था, और बाल्यकाल से ही, या कहें कि जन्म से ही लेकर के उसने सिर्फ युद्ध अभियानों को, युद्धों को और विजय को, यही उसने देख रखा था अपने जीवन में। तो एक महान योद्धा के गुण उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। दर्शन में और लॉजिक में तो उसका मन लगता ही नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि अपने गुरु अरस्तु के प्रति उसके अंदर भक्ति थी, निष्ठा थी। और फिलिप जो राजा थे वहाँ के, सिकंदर के जो पिता थे, वो भी अरस्तु की बड़ी कद्र करते थे। मैसिडोनिया के राज दरबार में अरस्तु की बड़ी इज्जत थी, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना गया है कि सैकड़ों नौकर चाकर और दास अरस्तु की सेवा में रहते थे, और बहुत सारा धन भी अरस्तु को वहां से प्राप्त होता था। ये सभी बातें सुनाई देती हैं अरस्तु के विषय में। बहरहाल 3 वर्षों तक शिक्षा दिया अरस्तु ने, लेकिन अरस्तु को ये समझ में आ गया कि मैं तो असफल हो रहा हूँ यहाँ पर। मैं तो जिस काम के लिए आया था कि दुनिया में दर्शन जीवित रहे, तर्क जीवित रहे, मैथमेटिक्स जीवित रहे, साहित्य जिंदा रहे, मैं तो इस काम के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अरस्तु की शिक्षाओं पर अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर बहुत खरा नहीं उतर रहा था, फिर भी उन्होंने शिक्षा दिया। इधर बीच 336 ईस्वी पूर्व में किंग फिलिप की मृत्यु हो गई, और सिकंदर मैसिडोनिया का शासक बना, मैसिडोनिया का राजा बना, और अपने विश्व विजय के अभियान पर निकल पड़ा। जब सिकंदर मैसिडोनिया का राजा बना, अरस्तु का तो काम पूरा हो चुका था। अरस्तु ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं कोई विद्यालय खोलना चाहता हूँ, और मैं एथेंस जाना चाहता हूँ, वहाँ अकेडमी स्थापित करना चाहता हूँ। तो सिकंदर ने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप जाइए वहाँ पर।
और जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी वो सारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। तो अरिस्टोटल एथेंस आ गए और अपने एकेडमी लिसियम की उन्होंने स्थापना की और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जीवन चलता रहा अरस्तु का। इधर सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय के अभियान के लिए निकल पड़ा और आप जानते हैं कि फारस जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें आज का ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, बहुत सारे देश उसमें शामिल थे, अगर आज के अगर भूगोल को देखा जाए तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। और मैसिडोनिया का जो साम्राज्य था उससे लगभग 40 गुना बड़ा फारस का साम्राज्य था। तो इतने बड़े साम्राज्य को उसने जीत लिया। इसके पश्चात मिस्र पर भी उसने अधिकार स्थापित कर लिया और वहाँ पर एक अलेक्जेंड्रिया नामक शहर की भी स्थापना की। फिर इसके बाद सिकंदर इंडिया आया और आप जानते हैं कि इंडिया में भी उसने कई विजय प्राप्त की, आंबी को हराया, पुरस को हराया, लेकिन और आगे नहीं बढ़ सका और इंडिया से ही वो वापस लौटने लगा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन जब वो पहुंचा, ऐसा कहा जाता है कि मलेरिया के बुखार से उसका शरीर तप रहा था और उसने अंततः दम तोड़ दिया और सिकंदर की मृत्यु हो गई। इधर सिकंदर की मृत्यु होने के बाद मैसिडोनिया का जो साम्राज्य था वो तितर बितर होने लगा, वो छत बिछत हो गया और यूनान के जो विभिन्न नगर राज्य थे, जिसमें एथेंस भी था, नगर राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मैसिडोनिया का जो राज दरबार था, जो शाही महल था, इन सारी चीज़ों पर जैसे तैसे कब्जा किया जाने लगा। तो संपूर्ण उथल पुथल का एक माहौल शुरू हो गया। इस बीच जब सिकंदर की मृत्यु हुई, अरस्तु एथेंस में ही थे। अरस्तु को एथेंस में शक की नज़रों से देखा जाता था और इसका कारण यह था कि एक तो ये मैसिडोनिया के मूल निवासी थे और दूसरी बात कि ऐसा माना जाता था कि सिकंदर इनका शिष्य है और कहीं न कहीं अरस्तु एथेंस में रह करके मैसिडोनियन जो एम्पायर था, मैसिडोनियन जो साम्राज्य था, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैसिडोनिया का समर्थक इनको समझा जाता था एथेंस में, और इसलिए एथेंस के लोग अरस्तु को बड़ी शक की नज़रों से देखते थे। तो जब सिकंदर की मृत्यु हुई, उस वक्त अरस्तु एथेंस में ही थे। अब अरस्तु को एक डर, एक भय सताने लगा, क्योंकि एथेंस ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, यानी मैसिडोनिया का जो प्रतिनिधि शासक था एथेंस में उसके खिलाफ बगावत कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अरस्तु को अब ये लगने लगा कि शायद मेरा भी वही हाल न हो जाए जो सुकरात का हुआ था, और इसकी तैयारी भी एथेंस में होने लगी अरस्तु को गिरफ्तार करने की, कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इन पर मुकदमा चलाया जाए धर्मद्रोह का और राजद्रोह का। अरस्तु ने रातों रात वहाँ से भाग कर निकल जाना ही उचित समझा और अरस्तु रातों रात एथेंस छोड़कर चले गए और सिसिली द्वीप पहुँच गए। सिसिली द्वीप जहाँ की यूनान का नियंत्रण नहीं था, जो यूनान के नियंत्रण से बाहर था, वहाँ जाकर के पहुँच गए। अब सिसिली द्वीप जब गए अरिस्टोटल, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों ने एक सवाल किया अरिस्टोटल से कि आपको चीज़ों को फेस करना चाहिए था, सामना करना चाहिए था, जो भी स्थितियाँ थी आप छोड़ करके हम चले आए एक भगोड़े की तरह। अरस्तु ने बड़ी अच्छी बात कही और वो ये बात कही कि जिन एथेंस के लोगों ने सुकरात जैसे मनीषी को मार दिया, सुकरात जैसे मनीषी की हत्या कर दी एक तरीके से, उस एथेंस में मैं कैसे रह सकता था। तो एथेंस के लोगों ने तो एक बड़ा अपराध और बहुत बड़ा अपराध तो पहले ही कर दिया, कि दूसरा अपराध करने का अवसर मैं उनको नहीं दे सकता। और अरिस्टोटल ने यह बात कही कि एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध करने का अवसर मैं नहीं दूंगा। अरिस्टोटल ने यह बात कही कि देखिए, भागने मरने को तो मैं मर लेता, कोई बात नहीं थी, मेरी जान एक चली जाती तो इससे कुछ नहीं होता, मैं मर जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इससे संपूर्ण यूनान को दो बड़े ही महत्वपूर्ण नुकसान होते। एक नुकसान तो ये होता कि मेरे मरने के बाद दर्शन खत्म हो जाता, दर्शन समाप्त हो जाता। दुनिया में अगर दर्शन को, लॉजिक को जिंदा रखना है तो मेरा जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से सिकंदर को उन्होंने शिक्षित किया था अरिस्टोटल ने, और उसे वो बड़ा दुखी थे। हालांकि सिकंदर की विस्तारवादी नीतियों से भी बहुत खुश नहीं थे अरिस्टोटल, क्योंकि नगर राज्यों का जो जीवन था उसी को वो बेहतर मानते थे, और सिकंदर की जो विस्तारवादी नीतियाँ थी, साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा थी, उसे वो संतुष्ट बहुत नहीं थे, उसे बहुत खुश नहीं थे। लेकिन फिर भी उनका शिष्य था, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा उनके मन में भी। तो बहरहाल सिसिली के लोगों को सिकंदर अरिस्टोटल ने यह बताया कि देखो, एक तो बात यह है कि मेरे बाद दुनिया में दर्शन का क्या होता, इसलिए मेरा जिंदा रहना जरूरी था, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि यूनान के लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती तो पहले ही कर दी थी, और वो गलती थी सुकरात का मारा जाना, सुकरात को मृत्युदंड दिया जाना। सुकरात जैसे मनीषी को मृत्युदंड दे करके यूनान ने अपने माथे पर एक कलंक तो पहले ही ले लिया है,
अब ये दूसरा कलंक मैं कैसे लेने देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा भी हश्र वही होता, हमारे ऊपर भी वही धर्मद्रोह का आरोप लगता, हमारे ऊपर भी वही राजद्रोह का आरोप लगता और मेरा भी वही हाल होता। तो यूनान के इतिहास को दुनिया किस रूप में याद करती, क्या इस रूप में हम यूनान के इतिहास को पूरी दुनिया के सामने परोसना चाहेंगे जिसमें कि ये कहा जाए कि ये गलती तो पहले यूनान के लोगों ने कर दी, अब ये दूसरी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि देखो अरिस्टोटल जो था वो दुनिया का बहुत बड़ा जीनियस था, और बहुत बड़ा क्या, सच कहा जाए तो आज तक इतना बड़ा जीनियस पैदा नहीं हुआ, और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम जो प्लेटो ने अधूरा छोड़ दिया था उसको अरिस्टोटल ने पूरा किया। अगर फिलॉसफी की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लेटो की जो फिलॉसफी थी, प्लेटो का जो दर्शन था जिसमें कि उन्होंने एब्सोल्यूट आइडिया के विचार पर बल दिया, अरिस्टोटल ने कहा कि साहब आइडिया की बात करना और ऊंचे ऊंचे आदर्शों को झाड़ना तो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के ये यथार्थ जगत है इसकी व्याख्या होनी चाहिए, और यथार्थ जगत की समस्याएं दूर होनी चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। और इस निमित्त उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया, अपने दर्शन को दुनिया के सामने रखा। यही बात वहां भी उन्होंने कही कि ये तो बहुत बड़ा कलंक लग जाता यूनान के माथे पर, और यूनान को दुनिया किस रूप में याद करती है, क्या इस रूप में दुनिया को हम यूनान के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे कि सुकरात जैसे मनीषी को मार दिया और इसके बाद फिर मुझे भी मार दिया जाता, तो इसलिए मैं वहां से फेस तो मैं कर लेता और अधिक से अधिक क्या होता, मुझे भी मृत्युदंड दिया जाता। लेकिन सवाल ये है कि ये अस्थाई रूप से यूनान के ऊपर, यूनान के माथे पर ये जो कलंक लगते, ये आने वाले सदियों में ये कभी भी मिटता नहीं, ये धुलता नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो साथियों, अरिस्टोटल कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस आदमी, मानव जीवन के जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सभी एस्पेक्ट्स को छुआ इस व्यक्ति ने, 400 अलग अलग पुस्तकों की रचना करी, जीवन का कोई भी ऐसा पहलू जिसके विषय में सोचा जा सकता था, जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता था, लिखा जा सकता था, अरस्तु ने छोड़ा एक को भी नहीं। तो ये इस दार्शनिक की, ये इस चिंतक की विशेषता है।